الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله कच्चे में शहीद पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। विपाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान, पुलिस और पाक फौज के ऑफिसर्स की नमाज जनाजा में शिरकत। शहदा के अहले खाना, सियासी रहनुमाओं समेत आवाम की बड़ी तादाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुई। शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद मैयतें तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। शहदा के जसद खाकी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके माशका में डाकुओं का पुलिस काफले पर हमला, 12 अहलकार शहीद हो गए, 7 जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल, 5 अहलकारों को रेस्क्यू किया गया। साजिद नामी अहलकार जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गया। अहलकार अहमद नवाज ताहाल लापता है। डाकुओं ने छुट्टी से वापस जाने वाली पुलिस पार्टी को गाड़ी खराब होने पर घेराव करके निशाना बनाया। रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस एहलकार कैंप 2 से रहीम यार खान जा रहे थे। नियो न्यूज ने हमले से पहले की वीडियो हासिल कर ली। कीचड़ में फंसे गाड़ी के बाहर मौजूद एहलकारों को खड़े हुए देखा जा सकता है। लगता है आखिरी टाइम आने वाला है। पुलिस एहलकार का साथी से मुकालमा। पुलिस का जवाबी एक्शन, कच्चा माचके में पुलिस पर हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शर अंजाम को पहुंच गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रात गए पुलिस ऑपरेशन में कच्चा एरिया का खतरनाक डाकू बशीर शर कैफरे किरदार तक पहुंच गया। 5 डाकू शदीद जख्मी हुए। बशीर शर गुज़श्ता रोज पुलिस एहलकारों पर हमले का मरकजी मुलजिम था। आईजी पंजाब की रहीम यार खान में शेख जैद हॉस्पिटल आमद, जख्मी अहलकारों की आयादत की हौसला बढ़ाया। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि ऐसी बुजदिलाना कार्रवाइयां पुलिस का मोराल पस्त नहीं कर सकती। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब भी शेख जैद हॉस्पिटल पहुंचे, जख्मी अहलकारों की तीमारदारी की। मोहम्मद कामरान ने कहा कि कच्चे में ऑपरेशन के लिए टीम तश्कील दे दी है, फोर्सेज का ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाएगा, डाकुओं को घर में घुस कर मारेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में पुलिस काफले पर डाकुओं के हमले की मजम्मत। शहीद अहलकारों की लवाहिकीन के साथ इजहार ताजियत। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी पुलिस पर डाकुओं के हमले की शदीद मजम्मत। कच्चे में पुलिस अहलकारों को एहतियात बरतने और बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनने रखने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी वाक्य पर गहरे रंज और दुख का इजहार। मरियम नवाज ने आईजी पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। जमात इस्लामी का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि रहीम यार खान में पुलिस जवानों की शहादत हद दर्जा अफसोसनाक है। कच्चे के डाकू बेखौफ और ताकतवर हो चुके हैं, शहरों के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी निशाना बना रहे हैं। हुकूमत बताए कि डाकुओं के पास इतना जदीद और भारी असलहा कैसे पहुंचा, कौन कच्चे के डाकुओं की सहूलत कारी कर रहा है। सितंबर को अगर किसी ने रोका तो अब कोई नहीं रुकेगा। बानी पीटीआई ने जेल से धमकी लगा दी। कहते हैं कि ये सब चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए हो रहा है। अगर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को तौसी ना दे सके तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की सीनियोरिटी पर असर अंदाज होंगे। काजी फैज ईसा के बाद अपना बंदा चीफ जस्टिस लगाएंगे। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगु। पार्टी तस्लीम कर ले, इसके सत्तू मुख चुके हैं, गिरगिट रंग बदलता है, इसकी फितरत नहीं बदलती। वजीर इत्तला पंजाब अजमा बुखारी कहते हैं कि तरीके इंसाफ गंगर है। एक साल से फितना पार्टी जलसे जुलूस ना करने से शदीद माली बहरान का शिकार है। इनके भयानक चेहरे और बदबूदार सियासत की हकीकत आया हो चुकी है। लीग
रहनुमा गैर जिम्मेदाराना बयानात से फौज और अवाम में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि कल का जलसा इंतशार से बचने के लिए बानी पीटीआई की हिदायत पर मुलतवी किया गया। राणा सनाउल्ला समेत लीगी रहनुमा 8 सितम्बर का इंतजार करें, लग पता जाएगा। डब्ल्यूडी की बंदिश के बाद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का भी धड़न तख्ता, अगले 15 रोज में मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी, मुल्क भर में 4,200 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स के 14 करोड़ सार्फिन के मुतासिर होने का खदशा है। कोयटा में 500 से ज्यादा इंसदादे पोलियो टीम्स की जानिब से जारी मुहिम चलाने का इंकशाफ। पोलियो वर्कर्स बगैर कतरे पिलाए बच्चों के नाखूनों पर निशानात लगाते रहे। सीईओ इमरजेंसी पोलियो सेंटर का कहना है कि ऐसी टीम्स को मॉनिटरिंग के जरिए पकड़ा गया है। दूसरी तरफ हैदराबाद में रवां साल का 16वां पोलियो केस भी सामने आ गया, 29 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान पर मिसकंडक्ट का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। एजाज अनवर चौहान को 10 रोज में अपना तहरीरी जवाब और दिफा जमा कराने का हुक्म। कराची में तेज बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मानसून का नया सिस्टम पूरे सिंध को लपेट में लेगा। 27 और 28 अगस्त को शहर कायद में तेज बारिशों का इम्कान है। तूफानी बारिश के बाइस कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। कश्ती पर दरिया की सैर का अपना ही मजा है। दरियाई सिंध में कोठरी बैराज पर कश्तियों पर सैर कराने वालों का कारोबार चल निकला। कश्तीबान कारोबार चमकने पर खुश है, हुकूमत से सहूलियात फराहम करने की फरियाद। उमरकोट के मशरूम की सिंध समेत मुल्क भर में मांग, सेहरा में कुदरती तौर पर पैदा होने वाला मशरूम मार्केट में आ गया। मकामी जबान में खुम्बी के नाम से मशहूर मशरूम के स्टॉल्स जगह जगह सज गए। पाकिस्तान में एमपॉक्स का दूसरा केस भी रिपोर्ट हो चुका है। ज़राई ये बता रहे हैं कि खलीजी मुल्क से आने वाले मरीज में केस रिपोर्ट हुआ है। मुश्तबा मरीज को पिशावर एयरपोर्ट से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां टेस्ट के बाद एमपॉक्स मुस्बत आया है। वजारत सेहत ने भी एमपॉक्स के दूसरे केस की तस्दीक कर दी है। खबर यह है कि पाकिस्तान में एमपॉक्स का दूसरा केस भी रिपोर्ट हो चुका है। ज़राई का कहना है खलीजी मुल्क से आने वाले मरीज में केस रिपोर्ट हुआ है, जबकि मुश्तबा मरीज को पिशावर एयरपोर्ट से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर टेस्ट के बाद एमपॉक्स मुस्बत आया है। वजारत सेहत की जानिब से क्या कहा जा रहा है, आयशा शुएब से हम जान लेते हैं, बताएगा आयशा। जी बिल्कुल, देखिए एमपॉक्स का दूसरा केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है। केस जो है वो खलीजी ममालिक की अलामात के साथ वहां से रिपोर्ट हुआ था। पिशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने बरवक्त अस्पताल उसको मुंतकिल किया मरीज को, जिसका बाकायदा से टेस्ट हुआ और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि मरीज में एमपॉक्स जो है वो मुस्बत है। इसी हवाले से वजारत सेहत ने तस्दीक भी कर दी और वजारत सेहत की जानिब से ये बयान आ रहा है कि तमाम तर सूरत हाल की मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाया जा रहा है। जबकि कोऑर्डिनेटर बनाए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद बर्ड का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और सर्विलेंस का मौसर निजाम मौजूद है। बॉर्डर हेल्थ का अमला एयरपोर्ट और इंटर पॉइंट पर मुस्तैदी काम कर रहा है और अवाम को वबाहों से महफूज रखने के लिए संजीदा इकदाम का अमल भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आयशा। कच्चे में शहीद पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकूमती अहदेदारों की नमाज जनाजा में शिरकत हुई। सेक्रेटरी दाखिला, आईजी पंजाब समेत पुलिस और अस्करी हुकाम की भी शिरकत हुई। शहदा के अहले खाना भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। रहीम यार खान कच्चे के इलाके माजका में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस अहलकार शहीद हुए, जबकि 7 जख्मी हुए थे। शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद तदफीन के लिए मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। शहदा के जसद खाकी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। Allah
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله रहीम यार खान कच्चे के इलाके में डाकुओं का हमला, 12 पुलिस एहलकार शहीद हो गए जबकि 7 जख्मी हुए हैं। 5 लापता पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया है। 1 जख्मी एहलकार हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। डाकुओं ने कच्चे के इलाके माचका में रॉकेट लॉन्चर्स और जदीद हथियारों से पुलिस गाड़ियों को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफ़ाकी वज़ीर दाखिला समेत सियासी रहनुमाओं ने हमले की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IG पंजाब ने RPO DG खान से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। PTI सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब को खुद कच्चे में जाना चाहिए। कच्चे में डाकू राज कायम है। पंजाब और सिंध में कच्चे के डाकू बेलगाम है। पुलिस सिर्फ PTI कारकुनान को पकड़ने में लगी हुई है। डाकू कार्रवाइयां करने के बावजूद आजाद है। मुल्क का निजाम तबाह हो चुका। आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कराची में कारसाज हादसे में बाप बेटी की हलाकत के मामले पर नया इंकशाफ सामने आया है।